नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, इसीलिए इसी के मद्देनज़र सभी पार्टियों की नज़रें यूपी की 30 लोकसभा सीटों पर रहती है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर किसका दबदबा है, इन सब चीज़ों को लेकर अभी से चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर भी अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है और मैनपुरी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज हाल में पहुंची थी, जहां उन्होंने पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उनसे जब सवाल किया गया कि क्या अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से चुनाव लड़ेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। डिंपल यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का यहाँ से खास रिश्ता रहा है। कन्नौज हमेशा से समाजवादी विचारधारा का सूत्र रहा है। लोहिया जी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मुझे भी यहाँ की जनता पर भरपूर जनता से प्यार मिला है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थीं। एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 10 सीटें बसपा और 5 सीटें सपा को मिली थी। अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने और इसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की थी। वहीं कन्नौज सीट की अगर बात की जाए तो 2019 में सीट पर डिंपल यादव करीबी मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार से हार गई थी। डिंपल यादव 2022 में मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर सांसद बनी और संसद पहुंची थी। बहरहाल अब देखना ही होगा कि कन्नौज सीट से सपा इस बार किस पर दाव लगाती हैं, क्योंकि जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसके बाद अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और जिस तरह से डिंपल यादव का इन अटकलों के बीच बयान सामने आया है उसके बाद कई तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।